इस करके सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह ने सानू सारयां बख्शिशां जिहड़ियां कीतियां ने उन्हां बख्शिशां नूं आपां संभाल नहीं सकते। किन्नियां बंदगियां होईयां ने जद राय गुलाब जी पिछले जन्म विच सन महापुरश और बाबा कल्याण चंद जी उन्हां दे शिष्य चेले नंद बड़ी बंदगी करते होंगे। एक दिन ऐसे ही बैठिया बैठिया प्रकाश हो गया, कहने मंग की मंगना है, कहने मेरे घर तुसी आओ, मेरी ये इच्छा है, कहने तथास्तु ही होएगा। आके अपने गुरु नूं दस्या, बाबा रायवलार जी नूं दस्या, कहने मैनू निरंकार जी दे दर्शन होए। उन्होंने कहा भी की मंगदा, कहते मैं मंगया मेरे घर तुसी आओ। कहते ये मंगया भी मैं सोच ही रहे आओ जाणगे, कहना ये तो मंगे ही नहीं। कहने फिर तेन पता की लगू तेरे घरे आप निरंकार जी आए ने? कहने जा तेरे 13 दिन हूँ बाकी रहते, 13 दिन हूँ तू बंदगी कर, बंदगी करके ही इच्छा रख के कि मैनू सोझी पै जाए थोड़ी। बाबा कल्याण चंद जी को 13 दिन पहला पता लग्या संसार तो जान तो जब शरीर छड़ना सी, 13 दिन पहला पता लग्या कि मेरे घरे आप रब आया, आप निरंकार जी आए। सारे माता पिता की कमाई, गुरु अंगद देव के माता पिता की कमाई, इसे तरह दसवें पातशाह के माता पिता की कमाई, कमाई का सदका ही बहुत दान पुन सेवा की। और कलगी धर महाराज जी कहते हैं असी श्री हेमकुंड साहब दियां पहाड़ियां गुफा बैठ के 4 युग तक ये विद करत तपस्या भयो, द्वैते एक रूप हवै गयो, ऐसी बंदगी की कि एको ही रूप हो गए परमात्मा के दान। तदों निरंकार जी ने अपने पास बुलाया, बेबान आया तखत के उत्ते, निरंकार जी ने कोल बिठाया, इन्ना प्यार दिता, मैं अपना सुत तोहे नवाजा, मैं थोनों अपना पुत्र नवाजदा हाँ, नहीं तो यह बहुत औखा काम है, रब किसी को अपना पुत्र नहीं बनाता छेती। कादे लई पंथ प्रचुर कर बे कहो साझा, जिहड़ा गुरु नानक देव रूप च असी हो के पंथ चलाया, यह जो पंथ का मतलब हुंदा रस्ता, जिहड़ा मार्ग दसिया दुनिया नूं, जिहड़ा यही शुरू हुंदा एक ओंकार सतनाम करता पुरख, यह सारा रस्ता ही है। जिहड़ा यह रस्ता के सोचा सोचना हो गई, जे सोची लख वार, जिन्नी मर्जी सुचम रख लो सुचम नहीं रहती, जे मर्जी चुप हो जाओ अंदरों मन नहीं चुप करता, जिन्नी मर्जी भुख रख लो वर्त रख लो अंदरों भुख नहीं मरती। ये है तरीके दे, जिन्नियां मर्जी सियाणपां हो लखा पुस्तकों दी लखा सियाणपां, हजारा पुस्तकों दी लखा सियाणपां भी हो, इन्हां नालों एक वड्डी चीज की दसी है, हुक्म रजाई चलना। रजाई जो आज्ञा दे करने वाला परमात्मा उहदे हुक्म विच चलना है, रजा विच राजी रहना है, उहदे हुक्म नूं मनना है। हुण आपां अपनियां मर्जियां तों टुट पए हां, जिहड़ी सिख नूं रस्ता दस्सिया है हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल है, सारयां दे मत्थे उत्ते लिखे ही होया सब दे। फिर सतगुरु कहिंदे ने हुक्मी होवन आकार हुक्म ना कहिया जाए, हुक्मी होवन जी हुक्म मिलै वडियाई, जिहड़ी तुहानूं वडियाई भी मिलती है भी हुक्म विच मिलती, जी अपने घरे कोई पैदा हुंदा तां भी उहदे हुक्म च ही पैदा हुंदा, उहदे हुक्म दे विच ही हुक्मी उत्तम नीच, हुक्म दे विच ही नीच पुरश उत्तम बन जाता, उत्तम नीच बन जाता। हुक्म लिख दुख सुख पाईआ,
हुक्म दे लिखे अनुसार ही जीव दुख ते सुख की प्राप्ति करता है। एक ना हुक्मी बख्शीस, एक हुक्मी सदा भवैया है। एक ना दे हुक्म विच बख्शिश हो जाती है, एक हुक्म दे विच गेड़े खवाए जाते। 84 लाख जून दे विच हुक्म है अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोए। ये सिद्धांत की है, नानक हुक्म है जे बुझे। हुक्म नूं समझना क्योंकि आप दोष देने लग जाने लोगों को, उन्हें मेरा काम खराब करता, उन्हें मेरा ऐ करता, उन्हें ऐ करता। सतगुरु कहते कोई किसी का काम नहीं खराब करता। थोड़े लेख ही है जो हमारे बक्से से लिखे हुए। गुरमुख किसी को गाला नहीं कढ़ते, बुरा नहीं कहते। वो कहते तेरा किया मीठा लंग, हर नाम पदार्थ नानक मांग। कहने ये उन्होंने हुक्म है। चाहते तो दसवें पातशाह महाराज साहबजादे शहीद ना हो दिंदे, ताकत दे मालक। चाहते तो फूक नाल तुरकां नूं उड़ा दिंदे, बचन नाल उड़ा सकते सीगे। पर एक इतिहास भी तो रचना होंदा, इतिहास रचिया उन्होंने। पंजवें पातशाह चाहते तो कुछ भी नहीं हो सकता, पर सतगुरु तत्ती तवी ते बैठे इतिहास रचिया गया। छेवें पातशाह ने इतिहास रचिया है, नहीं तो सब कुछ वैसे ही कर सकते सतगुरु। क्योंकि जे यही सारा कुछ करना फिर तो अपनी लोड़ ही नहीं है किसी की। ये तो महाराज जी आप ही कर लिया कर सारा कुछ। इस करके सतगुरु महाराज जी ने आपां नूं जिहड़ी इह बख्शिश कीती है, ये मैं तो दो पंक्तियां दो पौड़ियां दी गल कीती है। जिहड़ा सारी बाणी है ये एक रस्ता है। जिवें सतगुरु जी ने विजेतर नाम के अंदर एक वचन किया, जो तां के मार्ग में आए। अज आप कहने मैं सानू दुख ते भुख सता है, खासकर अपने इलाके च करजाई हो गए बाले, शरीर छड़ते कई नहीं। गुरमत विच देखो, आके देखो, गुरमत विच आके देखो, सारा कुछ थोड़े कोले है। खुंडा ते बैठे रहना, एवं गल्लां करी जानियां, ताश खेडी जानी, एक दूजे की निंदा चुगली करी जानी, लड़ाई झगड़े करी जाने। कदे गुरमत की भी कोई पोथी पढ़िया करो, कदे विचार आया करो। कदे अर्थ इन्ने में भरे गुरु ग्रंथ साहब के, गुरां ने भराए सातों गुरु ग्रंथ साहब की सारी कथा रिकॉर्ड थोड़े लिए की। चल इन्हों को कोई माड़ी मोटी समझ लग जाए, ये कथा सुन लैन। गुरु नानक देव जी की सारी कथा गुरु नानक प्रकाश रिकॉर्ड की, मेहनत की, अगे भी करनी होर भी रिकॉर्ड करा। एक सहज पाठ सारा रिकॉर्ड किया, सत बाणियां लिख लिख के समझाइया, ऐ पढ़नी ऐ पढ़नी। तो कुछ करने की भी लोड़ नहीं सी पैनी, तुसीं तां जिहड़ी चीज़ नूं हाथ लाउंदे सोने की बन जाती हो। सारा कुछ थोड़े अंदर ही है, अंदरों ही नहीं तुसीं उहनूं प्रगट कर सकते। खेत विच बीज बीजदे हो, एक किले च 45 किलो के नेड़े बीज लगता अपना, 45 तो 50 लग किले च। जब तुसी बीज बीजते हो तो थोनू 22 क्विंटल एक किला कणक दिता, 22 तो 24 तक भी देना, कई दी 25 भी होगी। पर बीजिया किन्ना 45 किलो, दिता किन्ना 22 क्विंटल। सतगुरु कहते हैं थोड़ा जा भी नाम जप लो ना 45 किलो वाले हिसाब का, 45 जपजी साहब रोज कर लो, 45 मूल मंत्र दी माला कर लो। ये जद बधूगा ना इस तरह, ये पापा नूं कटण लई बहुत समर्थ है नाम। नानक भगता सदा विगास, सुनिया दुख पाप का नास। बाणी नूं ऐन ध्यान दे के पढ़ो, ध्यान दे के सुनो, सतगुरु साढ़े सारे दुख दूर करे। बाली गल हुंदी खेड़ा छड़ाउण दे बारे कहने ना, मैं तो अनपढ़, सानू तो बस पाठ आउंदा ही नहीं है। क्यों नहीं आउंदा है? एक बंदा कह सकदा जिहदा दिमाग नहीं हैगा, जिहदे विकलांग कहने दिमाग तो विकलांग है, उम्र 20 साल है,
ਤੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿੰਨੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਦਈਏ, ਗਿਣ ਕੇ ਮਿੰਟ ਚ ਉਹ ਮਾਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੰਗੜੇ ਬੋਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੈ? ਜਦ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਰਮ, ਉਦੋਂ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਕਹਾਵਤ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਜੱਟ ਮਚਲਾ ਗੋਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਰ, ਮਚਲ ਤਾਂ ਇਹ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਮਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਮੂਹਰੇ ਖੜਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਖੜਨਾ। ਹਿਸਾਬ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਖਿਹੜਾ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਛੇਤੀ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਅੱਡ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਅੱਡ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਦਾ ਵੱਖਰਾ, ਨੱਕ ਦਾ ਵੱਖਰਾ, ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ, ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਰਮ ਇੰਦਰੀ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਨੇ, ਸਭ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ।